डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्रेट्स मेजर्स। पाइथन प्रोग्रामिंग सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में अगेन एक इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो अगेन लेके आया हूँ। और ये सारी सीरीज इसलिए मैं बना रहा हूँ गाइज, ताकि आपको पाइथन प्रोग्रामिंग में, स्पेशली जो प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है ना, उसमें आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम एग्जाम्पल करवा सकूँ, ताकि इंटरव्यूज वगैरह में कहीं से भी आपको कोई पूछ लें तो आप इजीली आंसर दे सको और कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से बिल्ड कर सको। क्योंकि बहुत ईजी है, लेकिन ईजी तभी लगेगी जब आप इसको डेली प्रैक्टिस करोगे, और डेली आपको कुछ ना कुछ टाइम देना पड़ेगा गाइज। कभी भी कोई भी स्किल है वो रातों रात नहीं आता, उस पर टाइम देना पड़ता है, कंसिस्टेंटली आपको काम करना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा करके अगर करोगे तो जल्दी जो है वो उसके ऊपर आप हैबिचुअल हो जाओगे और फिर आपको वो स्किल जो है वो डेवलप होने लग जाएगा। तो ऐसी आपकी प्रोग्रामिंग भी है, एकदम से तो सारी चीज़ें नहीं आती। स्टार्टिंग में दो चार दिन जब हम करते हैं तो हमें थोड़ा टाइम बाद लगता है कि यार ये तो कर लेनी पड़ रही, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं बन रहा, बोर हो रहा हूँ, ये वो। लेकिन ऐसा नहीं है, 20-22 दिन अगर आप करोगे, और करना ही पड़ेगा अगर आपको फर्दर मार्केट में सर्वाइव करना है, कुछ जॉब लेनी है या कुछ पैसे कमाने हैं, तो इसलिए आपको एक स्किल जो है वो लेनी बहुत जरूरी है। ये चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ गाइज, क्योंकि सिर्फ पढ़ाई ही हमारा मेन मुद्दा नहीं है कि भैया आपको बता दिया ये पढ़ लो या ये ना पढ़ो, ये एग्जाम से पहले पढ़ लिया। नहीं, एक अच्छा इंसान बनाना भी जरूरी है आपको, ताकि पता लगे वैल्यूज जो है वो क्या होती है लाइफ में। तो देखो, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, ये सीरीज है हमारे पास 1+1+2+1+2+3, इस तरीके से आपको सीरीज है। तो आपने एक टाइप की सीरीज तो देख ही रखी होगी, इस तरीके से 1+2+3+4+5+up to n, ये सीरीज तो आपने बहुत बार देख रखी होगी, जिसको हम बोलते हैं सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर। सम ऑफ एन नेचुरल नंबर की सीरीज है, जिसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है n(n+1)/2, और इस तरीके से हम किसी भी नंबर का सम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन यहां पे हमारे पास जो है वो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर हो गया, डबल हो गया, क्योंकि ये वाली जो है वो एक सीरीज है। लेकिन अगर मैं बात करूं यहां पे, सबसे पहला नंबर 1, दूसरी टर्म कौन सी है 1+2, तीसरी टर्म कौन सी है 1+2+3, चौथी टर्म कौन सी है 1+2+3+4। अगर मैं इस तरीके से देखो, यहां पे अगर मैं n की वैल्यू 4 पुट कर देता हूं, यहां पे n की वैल्यू 4 पुट कर दूं, तो 4 × 4+1/2, तो 4 × 5/2, तो क्या हो गया जी 20/2, क्या आ गया आंसर 10। मैंने क्या n की वैल्यू भरी, 4, यानी 1, 2, 3, 4, यानी पहले चार नेचुरल नंबर्स का सम, क्योंकि n की वैल्यू मैंने 4 भरी, तो पहले 4 नेचुरल नंबर्स का सम देख लो जी। 1+2 कितना हो गया 3, 3+3 क्या हो गया 6, 6+4 क्या हो गया 10, मैच कर रहा है 10, तो फॉर्मूले से हम कर सकते हैं। यहां पे अगर मैं बात करूं कि मुझे पहले 3 का अगर सम फाइंड आउट करना है, तो पहली 3 टर्म्स कौन सी है, ये वाली, तो पहली 3 का टर्म का जो सम है वो कितना आएगा 1+3+ ये क्या हो गया जी आपका 6, तो 1+3 क्या हो गया 4, 4+6 क्या हो गया 10, तो यानी पहली 3 का सम जो है वो 10 आएगा। तो इस तरीके का अगर मुझे कोड लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, ऐसे ही अगर मैं फर्स्ट 4 का सम फाइंड आउट करूं, जैसे हमने फर्स्ट 4 का फाइंड आउट किया था तो टोटल क्या आया था 10, यहां पे फर्स्ट 4 का करोगे तो ये पहली प्लस ये प्लस ये प्लस ये, यहां तक पूरा आपको सम करना है, तो टोटल वैसे तो मैं आपको बता देता हूं आई थिंक 20 आएगा, बाकी आप कर भी सकते हो। तो इस चीज को अगर पाइथन में करना हुआ तो कैसे करेंगे, तो गाइज देखो बड़ा सिंपल सा फंडा है। सबसे पहले हमें पता है यूजर से हमने ले लिया कि हमने पहले कितने नंबर्स का, पहले कितनी टर्म्स का प्रिंट कराना है, तो लेट से मुझे 4 का प्रिंट कराना है, तो यानी मेरा 20 आंसर आना चाहिए। अगर मैं 3 का करता हूं तो मेरा आई थिंक 10 आएगा, अगर मैं 5 का करता हूं इसके बाद तो 35 हो जाएगी। तो इस तरीके से वैल्यू जो है वो बढ़ती। इनिशियली हमने के जो है वो 0 ले लिया, के में हम ऐड करते रहेंगे, टोटल की तरह जो है वो ऐड करते रहेंगे यहाँ पे, तो इनिशियली मैंने के की वैल्यू 0 ले ली। आई इन रेंज 1 to n+1, आपको पता कि रेंज में जो हम वैल्यू देते हैं उससे कम तक चलता है, तो इसलिए हमने प्लस 1 कर दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, इनपुट ले ली 4, तो 4+1 क्या हो गया 5, यानी चलेगा ये भाई 1 to 5, लेकिन चलेगा ये 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए, क्योंकि जो वैल्यू आप देते हैं उससे कम तक चलता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ फॉर आई, तो आई की वैल्यू 1 के लिए चलेगा, फिर 2 के लिए चलेगा, 3 के लिए चलेगा, 4 के लिए चलेगा, मतलब लूप आपको चेक करना है कि कितनी बार चल रहा है। तो ये है आपका आउटर लूप, ये है आपका आउटर लूप, और ये है आपका इनर लूप, तो OLIL इनर लूप। तो OL जो आउटर लूप है वो आई की वैल्यू 1 के लिए चलेगा, फिर अंदर जाएगा, फिर वो जब ऑब्वियसली वहां से बाहर आएगा तो फिर 2 के लिए, फिर अंदर जाएगा,
तीन के लिए फिर जाएगा, चार के लिए फिर जाएगा, पांच तक नहीं जाएगा। पांच हमने इसीलिए किया क्योंकि जो हम रेंज में वैल्यू देते हैं एंड वैल्यू उससे कम तक चलता है, तो जानबूझ के हमने उसको चार तक चलाना था, तो चार प्लस एक कर दिया। अगर मैं यहाँ पे सीधा चार कर दूंगा तो एक कम तीन तक चलेगा, फिर मेरा तीन टर्म्स का सम आएगा, बट मुझे तो चार का चाहिए, तो इसीलिए लॉजिकली इसको इसीलिए एन प्लस वन किया हुआ है। अब देखो जी, उसके बाद जे, फॉर जे इन रेंज वन टू आई प्लस वन, ऐसी जे भी प्रॉपर चलाने के लिए एक एक्स्ट्रा आई प्लस वन। अब देखो लेट्स इसको स्टार्ट करते हैं। मैंने एन की वैल्यू जो है वो फोर, मतलब पहली चार टर्म्स का मुझे सम फाइंड आउट करना है, तो एन की वैल्यू मेरी क्या होगी यहाँ पे फोर। अब अंदर गया, सबसे पहले आई की वैल्यू वन, आई की वैल्यू वन के वन से लेके फोर तक चलेगा, तो आई की वैल्यू वन के लिए हम अंदर गए, इनर लूप में गए। फॉर जे इन रेंज वन टू, आई की वैल्यू क्या है वन, आई की वैल्यू क्या है वन, वन प्लस वन मतलब क्या हो गया टू, तो यानी अंदर वाला लूप जे की वैल्यू वन से टू, बट आपको पता है कि वन टू टू मतलब वन टू वन, एक बार ही चलेगा क्योंकि जो एंड वैल्यू देते हो, हमेशा याद रखना मैं बार बार बोल रहा हूँ, रेंज में जो एंड वैल्यू देते हो उससे कम तक चलता है, यानी वन टू वन मतलब एक बार चलेगा। जब वो एक बार चलेगा, अंदर गया के प्लस जे, जे की वैल्यू क्या है यहाँ पे वन, तो वन प्लस के की वैल्यू निचली क्या है जीरो, वन प्लस जीरो यानी के की वैल्यू क्या हो गई आपकी वन हो गई, क्योंकि जीरो प्लस वन मतलब वन। अब ये लूप से बाहर आ जाए, अब ये मत कहना सर आपने जे को वन और फिर उसके बाद टू, वन टू टू नहीं है, मतलब दो बार नहीं चल रहा है ये, एक्चुअल में वन टू वन बार ही चल रहा है, क्योंकि सिर्फ ये रेंज वैल्यू इसलिए आपको बताया, प्लस वन इसलिए ऐड किया है क्योंकि रेंज में जो एंड वैल्यू देते हैं उससे कम तक चलता है, तो इसलिए वन टू वन लिख लो या तो इसको, या वन टू टू लिखो, लेकिन याद रखना दो बार नहीं चलाना, सिर्फ एक बार ही चलेगा, फिर ऊपर जाएगा। आई की वैल्यू अब क्या हो गई आपकी टू, अब आई की वैल्यू क्या हो गई आपकी टू, अब आई की वैल्यू टू हो गई, आई की वैल्यू टू के लिए दोबारा फिर ही अंदर गया। फॉर जे इन रेंज वन टू, अब देखो दोबारा J इन रेंज 1 2, I की वैल्यू क्या है 2, 2 प्लस 1 क्या हो गया 3 होगा, लेकिन ये 1 2 3 मतलब तीन बार नहीं चलेगा, चलेगा ये एक तरह से दो बार ही, आप इसको इस तरीके से लिख लो कि दो बार चलेगा। तो जब पहली बार चला, जब पहली बार चला तो अंदर गया K प्लस J, K की वैल्यू क्या है 1 और यहाँ पे J की वैल्यू क्या है 1, 1 प्लस 1 क्या हो गया, 1 प्लस 1 क्या हो गया जी 2, तो K की वैल्यू क्या हो गई 2 हो गई। और फिर जब J इंक्रीमेंट होगा एक बार और चलेगा, तो यहाँ पे J की वैल्यू क्या हो गई जी 2 हो गई, फिर अंदर गया K की वैल्यू क्या है 2, 2 प्लस 2 क्या हो गया 4, वही चीज हम कर रहे हैं 2 प्लस J की वैल्यू, तो K की वैल्यू इस टाइम पे 2 हो चुकी है, J की वैल्यू उसमें और ऐड कर दो तो 2 प्लस 2 क्या हो गया 4, तो K की वैल्यू क्या हो गई 4 हो गई, फिर ऊपर चला गया, ऊपर गया तो I की वैल्यू 3, I की वैल्यू, अब आप चेक भी कर सकते हो, आपने दो बार चला दिया, दो बार चला दिया, तो यहाँ पे 3 प्लस 1, यहाँ पे 3 प्लस 1 क्या हो गया 4, तो देख लो जी K की वैल्यू सही चल रही, पहली दो टर्म्स का सम क्या आ रहा है 4 आ रहा है ना, तो लो जी 2 ही तो आ, पहली दो का 4 आ रहा है तो 4 ही आ रहा है, यानी आप सही कह सकते। उसके बाद 3 के लिए दोबारा फिर चलाओ, I की वैल्यू 3 के लिए दोबारा फिर अंदर गए, J इन रेंज 1 2, अब देखो जी J इन रेंज 1 2, I की वैल्यू क्या है 3, 3 प्लस 1 क्या है 4, तो आप 4 लिखो या फिर इसको याद रखो कि तीन बार चलेगा, तो यानी एक बार फिर I की J की वैल्यू, J की वैल्यू 1 के लिए चलेगा, J की वैल्यू 2 के लिए चलेगा और J की वैल्यू 3 के लिए चलेगा, सिंपल। आप ऐसे इस तरीके पूरा एनालाइज करके बता रहा हूँ कि आउटर लूप के हिसाब से इनर कैसे चल रहा है, अदरवाइज दिखने में आपको लगेगा सर ये तो बड़ा इजी सा है, चार लाइन हो गई तो कोड है, बट गाइज यही तो इसके पीछे का कॉन्सेप्ट है, यही तो हम करते हैं, जो डा के अंदर जो हम अपॉयरी और जो अपोस्ट्री एनालिसिस के अंदर जब हम बात करते हैं कि भैया मुझे एक्चुअल में अपॉयरी एनालिसिस करनी है, कि मुझे ये नहीं कैलकुलेट करना कि टाइम कितना लगा, मुझे एनालाइज करना है कि पर्टिकुलर आइट्रेशन कितनी बार हो रही है ताकि मैं एनालाइज कर सकूं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को, तो वो फंडा आपको करके दिखा रहा हूं। तो जे की वैल्यू क्या है 1, अंदर गया K प्लस जे, के प्लस जे किया तो K की वैल्यू भी 4 है, 4 प्लस 1 क्या होगी यहाँ पे K की वैल्यू 5 होगी, फिर ऑब्वियसली 5 प्लस 2 क्या हो जाएगी, K की वैल्यू 7 हो जाएगी, फिर 7 प्लस 3 K की वैल्यू क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, फिर ऊपर जाएगा और फिर नेक्स्ट वैल्यू के लिए चलेगा। तो आई थिंक आपको अभी तक समझ आ ही गया होगा, तो मैंने यहाँ पे तीन वैल्यूज के लिए चला लिया, यानी तीन का सम आप यहाँ पे देख लो, इन तीनों का सम निकाल लो, तो 1 प्लस ये हो गया जी 3 प्लस 6 क्या हो गया जी 10, लो जी 10 ही तो आ रहा है, तो आप अगर सिर्फ तीन के लिए करोगे तो 10 आएगा, इसी तरीके से आप चार के लिए भी चला सकते हो, तो यानी जे जो है वो चार बार चलेगा। मैं यहाँ पे बना देता हूँ कि जे जो है वो 1 2 4, यानी जे एक के लिए चलेगा, फिर जे दो के लिए चलेगा, फिर जे तीन के लिए चलेगा, फिर जे आपका चार के लिए चलेगा, तो यहाँ पे 10 प्लस 1 क्या हो जाएगी 11 हो जाएगी वैल्यू, फिर 11 प्लस 2
13 हो जाएगी, 13 प्लस 3 16 हो जाएगी, 16 प्लस 4 20 हो जाएगी। तो लो मैंने करके दिखा दिया यार, लो जी पहली चार टर्म्स का सम जो है वो 20 आएगा, ये चीज आपको मैंने पूरा करके दिया, फाइनली जो है वो प्रिंट कर देगा। तो आपको ये कॉन्सेप्ट तो आई थिंक समझ में आ गया पूरा। अब आपको कमेंट सेक्शन में, क्योंकि मैं हर क्वेश्चन में हर सीरीज के अंदर जो है वो पूछता हूँ कि क्योंकि सारी चीजें अगर मैं करवा दूंगा ना तो आपकी लर्निंग नहीं होगी वहां पे, इसीलिए कमेंट सेक्शन में अब आपको मेरे को पता है क्या बताना है, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कि अगर मैं इस कोड को रन करता हूं तो व्हाट विल बी द वर्स्ट केस या ऑर्डर ऑफ क्या बनेगी इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। तो एक तरह से आपको प्रायोरिटी एनालिसिस करके दिखानी है, इसकी एनालिसिस करके बताना है कि ऑर्डर ऑफ क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। तो जो सबसे पहले और सही आंसर देगा उसका कमेंट जो है वो हम पिन करके रखेंगे। तो ये चीज़ जो है वो आपके लिए एक क्वेश्चन है। थैंक यू।